रबाब अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके लफ्जी मतलब कमान की तरह के हैं। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क के मुताबिक रबाब की इब्तदा 10वीं सदी में हुई। हमारी कल्चर, हमारी खून और हमारे रिश्तों से जुड़ी हुई है। म्यूजिक का जो ताल्लुक समझा जाता है वो म्यूजिशियन फैमिली से ताल्लुक समझा जाता है, लेकिन म्यूजिक एक एजुकेशन है। एजुकेशन को अगर म्यूजिक के साथ हम रखें तब एक म्यूजिशियन आगे जा सकता है। जैसे कि मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ पराचिनार, वहाँ पे एक टाइम पे हालात बहुत ख़राब थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने म्यूज़िक को नहीं छोड़ा। उसकी मेन वजह ये है कि एक तो हमारी रूह से जुड़ी हुई चीज़ है, क्योंकि इंसान पैदा होती म्यूज़िक की बीट से। सबसे पहले उसकी दिल की धड़कन स्टार्ट होती है, दिल की धड़कन भी हिप हॉप म्यूज़िक है। वस्ती एशिया के ममालिक ताजिकिस्तान, आज़रबाईजान के अलावा तुर्की और ईरान के कुर्द इलाकों के साथ साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हर दिल अजीज साज है। रबाब की जो आजकल मॉडर्न अकसाम है वो बहुत सारी है और उसमें लोग मुख्तलिफ चीज़ें लगाते हैं। मतलब कुछ रुबाब में एज अ डिज़ाइनिंग के तौर पे जिसको सदफ कहते हैं वो लगाते हैं और कुछ फिरूज़े लगाते हैं। और रुबाब की मुख्तलिफ किस्में जिनमें से कुछ जलीचा होता है, कुछ बड़े रुबाब होते हैं, कुछ दरमियाने साइज़ के होते हैं। और हमारी जो सेंट्रल एशिया में ज़्यादातर प्ले होते हैं वो दरमिया साइज़ और जलीचा प्ले होते हैं। कासा, ताज, खरक, मजरब, पर्दा और छः मेलोडी तारों से निकली हुई इरताश जब हम नवा तारों पर पड़ती है तो ये सुर कानों के साथ साथ रूह को भी अपने शहर में गिरफ्तार कर लेती है। रुबाब चुनने का वजह भी मेरा यही है कि मैं अपने पाकिस्तान का एक मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने पेश करूं और इसी खूबसूरत रंगों को पेश करूं, और मेरा ये सफ़र जारी रहेगा।